बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूअर्स, आज हम अपने पैसे वाइज के अगले लेक्चर में मौजूद हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर है 19 और टेंस ऑफ फ्यूचर इनडेफिनेट अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हमारा मुस्तकबिल में मुस्बत फिक्रों पर मुश्तमिल आज के पैसे वाइज होंगे। और फिर मैं दोहराता चलूँ कि पैसे वाइज फिक्रे वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नामालूम होता है, गायब होता है, या सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि सब्जेक्ट पर काम किया जाता है। आइए फिक्रे देखते हैं। ये मैच कराची में खेला जाएगा। दिस मैच विल बी प्लेड इन कराची। इस नज़म का तर्जुमा किया जाएगा, दिस पोइम विल बी ट्रांसलेटेड। हर मज़ूर आदमी की मदद की जाएगी, एवरी डिसेबल्ड पर्सन विल बी हेल्प्ड। तो सिंटेक्स की जहाँ तक बात है, ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लाएंगे, उसके बाद विल बी या शैल बी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर होगा, उसके बाद पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और एंड पर हमारा सब्जेक्ट होगा। ये तर्तीब होगी पैसे वाइज के जुमलों की, और इन्हीं बातों को ख्याल रखते हुए अगर आप सेंटेंसेस करेंगे तो यकीनन जुमले सही होंगे। यहाँ पर मैं दोहराना ज़रूरी समझता हूँ कि एक्टिव वाइज सेंटेंसेस पैसे वाइज का बिल्कुल उलट हैं। पैसे वाइज में हम अपने ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, और उसके बाद हम सब्जेक्ट ले जाते हैं। तो ये थे हमारे फ्यूचर इंडेफिनेट के पैसे वाइज सेंटेंसेस अफर्मेटिव। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज अफसार अहमद ऑन यूट्यूब चैनल। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड। अल्लाह हाफिज़।